हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस विद राहुल केशरवानी। आई एम राहुल केशरवानी और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में एटम्स एंड मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ लिया होगा, आई होप। एंड ऑल्सो आई स्टार्ट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 9th, राइट। सो प्लीज़ before starting my video, please who is new once please like this video, share this video and also subscribe my channel, okay. So let what is the chemical combination. Here according to your syllabus there is two law, according to law of chemical combination. First one is the law of conservation of mass, law of conservation of mass, and second law is law of constant proportion or law of डिफिनिट प्रपोर्शन। सो दीज लॉज आर इंक्लूडेड इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। सो एक्चुअली दिस लॉ वॉज गिवन बाई अ scientist whose name is Antoni Lavoisier, given by Antoni Lavoisier, who is the father of chemistry, father of chemistry. Now see the magic number 7, 8 and 9. In 1789 Antoni Lavoisier gave a law, that is the conservation of mass. Now he was told that mass neither be created nor be destroyed, but it change from one form to another form. Means mass को ना तो produce कर सकते हैं और ना ही उसे हम destroy कर सकते हैं, but it can change from one form to another form. उसके रूप को change कर सकते हैं, उसे transform कर सकते हैं, उसे हम transform कर सकते हैं, but cannot be change. So according to this, mass neither be created nor destroyed, but it can change from one form to another form. These are the statement regarding with the law of conservation of mass. But here we discuss about the chemical combination. As you know, in a chemical reaction you use the some raw material and that raw material is called reactant, and you got the new substance, that is called product. किसी भी chemical reaction में
जो रॉ मटेरियल यू टेक इन दैट रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट लाइक एज कार्बन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कार्बन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सो दिस इज द दीज आर द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट नाउ एंटोनी लेवोसियर चेंज दिस डेफिनेशन एज वॉट लेट्स सी हियर इन अ केमिकल रिएक्शन In a chemical reaction, mass या total mass of reactant is always equal to what? Total mass of product. मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सो दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल सॉरी दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ये सब अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया कार्बन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड राइट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 डोंट वरी दिस वैल्यू ऑलवेज गिवन इन योर एग्जाम 12 एंड वन ऑक्सीजन हैव एटॉमिक मास 16 तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टू सो 2 × 16 एक ऑक्सीजन एटम का 16 है एंड हियर टू ऑक्सीजन एटम सो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 16 देन यू गॉट द 32 नाउ 12 प्लस 32 मींस 44 मींस मास ऑफ रिएक्टेंट मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 44 नाउ हियर कार्बन इज 12 प्लस एक एटम खत्म हो तो आपको प्लस का सिंबल लगाना है यहाँ पर कितने एटम हैं ऑक्सीजन के 2 आपको 2 लिखना है मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीजन के कितना एटॉमिक मास है 16 तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 दैट इज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सो यू कैन सी दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दिस रिप्रेजेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास हमेशा आपस में इक्वल होगा नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर दो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ओके नाउ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कैल्शियम का होता है 40 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 राइट नाउ कैलकुलेट कैल्शियम 40 मैंने बताया एक एलिमेंट खत्म हो आपको प्लस का सिंबल लगाना है देन कार्बन हाउ मेनी एटम्स 1 सो कार्बन हैव 12 प्लस हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 क्लियर नाउ 40 प्लस 12 प्लस 48 मीन्स 60 प्लस 40 मीन्स 100 नाउ हियर कैल्शियम 40 ऑक्सीजन
How many atoms? Only one. So oxygen is 16. That is 56. Carbon dioxide, that is 12 plus 2 into 16. 12 plus 32 means 44. 2, 2, 4 and 3, 4. 56. Now, total mass of reactant is equal to 100. Now, total mass of product is equal to 56 plus 44 means 100. So you can see that the mass of reactant is always equal to the mass of product, right? So these are the concept related with the law of conservation of mass. Clear? Now we discuss second law, that is law of constant proportion. Okay, law of constant proportion. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन लेट्स सी देयर देखिए कहता ये है कि इन अ केमिकल कंपाउंड कोई भी केमिकल कंपाउंड हो जब भी किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए वो हमेशा फिक्स होने चाहिए ये नहीं कि वो चेंज हो जाए ठीक है जैसे इन केस ऑफ H2O आपने कभी भी इवन जब से आपने पढ़ाई करना शुरू किया होगा यू ऑलवेज सी दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर तो योर आंसर इज H2O वाई यू आर नॉट योर आंसर इज H3O या H4O योर आंसर इज ऑलवेज H2O मींस वाटर का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम कंबाइन हो सो दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन एंड दिस लॉ वॉज गिवन बाई जोसेफ प्राउस्ट एक्चुअली दिस साइंटिस्ट डिस्कवर व्हाट ऑक्सीजन गैस एग्जाम्पल इन अ केमिकल कंपाउंड इन अ केमिकल कंपाउंड द नंबर ऑफ एटम is always fixed in ratio in a chemical compound the number of atoms is always fixed in ratio means take the second definition when elements combine in a fixed ratio then it form a specific compound means agar hydrogen दो एटम कंबाइन हो गए एंड
ऑक्सीजन वन एटम देन इट फॉर्म वाटर। अगर हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के भी दो एटम कंबाइन हो गए तो दिस इज नॉट वाटर, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। मीन्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो, एज इन केस ऑफ एग्जाम्पल, इन केस ऑफ H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन? टू एटम्स। एज यू नो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो दो एटम है तो 2 × 1 एंड ऑक्सीजन दैट इज 16, दैट इज 2/16। मीन्स हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/8। मीन्स हमेशा इनका रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। वाटर के केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो 1:8 होगा। दिस इज कॉन्स्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। नाउ इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एज यू नो कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट इज 12 एंड टू एटम्स, 2 × 16 दैट इज 12/32 दैट इज 3/8, 3:8 मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा 3:8 होगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।